दो संघ सुनने के बाद ही आप जाइएगा और जो प्राइज वितरण होगा उस प्राइज वितरण के आप साक्षाती बनेंगे, आप साक्षात बनेंगे। जी हाँ, आपके समक्ष प्राइज वितरण किया जाएगा। आज शिव शक्ति क्लब के द्वारा दो दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया था, आज स्वतंत्र दिवस के अवसर पर फाइनल का कार्यक्रम जो हम लोगों का संपूर्ण ढंग से सफल हुआ, और आज इस टूर्नामेंट का जो दोनों टीम ने अपना काफी अच्छा प्रदर्शन किया और उसने जो है अपना प्रथम स्थान विजय इलेवन क्लब धनबाद और द्वितीय स्थान पर MSSC क्लब बलियापुर। हमारे इस टूर्नामेंट का जो भी ऑर्गेनाइजर कमेटी के सदस्य हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और शिव शक्ति क्लब की ओर से हमारे आज के मुख्य अतिथि टाइगर जयराम महतो जी हमारे मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। मैं शक्ति क्लब के सभी मेंबर से आग्रह करूंगा कि आप जल्द से जल्द हमारे JLKM के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी का सम्मान करेंगे और साथ में प्रदीप महतो भी रहेंगे। सभी मेंबर से आग्रह है आप लोग जल्द से जल्द आए और हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करें। चलो जोरदार तालियां होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद शिव शक्ति क्लब के सारे मेंबर्स को। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे की ओर लेके चल रहा हूँ। मैं इस मंच पर उपस्थित हमारे जितने भी JBKSS के पदाधिकारीगण सभी का शक्ति क्लब की ओर से
स्वागत करते हैं और विनर और रनर टीम से आग्रह करते हैं कि आप लोग अपने पूरे टीम के साथ मंच के समक्ष आके बैठ जाएं ताकि हम लोग प्राइज वितरण का प्रक्रिया जो है चलाते रहेंगे। दोनों ही टीम से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द अपने पूरे टीम के साथ मंच के समक्ष आने का कष्ट करेंगे। पंकज माथो जी आप स्टेज पे जल से हेलो। तब तक हम लोग जो है 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जो शिव शक्ति क्लब के द्वारा 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, मैं शंकर माथो जी से आग्रह करता हूं कि मंच के समक्ष आए और अपना वक्तव्य रखें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संचालन महोदय जी। सबसे पहले मैं शिव शक्ति क्लब कांडरा को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मिलकर इतना बड़ा आयोजन किया है, इसके लिए सबसे पहले आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों आज आजादी के शुभ अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड हमारे भीष्म पितामह की धरती स्वर्गीय विनोद बाबू की पावन धरती पर सिंदरी में आज इतनी बड़ी फुटबॉल आयोजन किया जा रहा है, इसीलिए मैं एक बार उन महान आत्माओं को भी मेरे तरफ से नमन एवं जोहार करता हूं। साथियों इस मंच पर हमारे आज के मुख्य अतिथि हम सबके झारखंड के दिलों पर राज करने वाले हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय टाइगर जयराम महतो जी, साथ ही साथ हमारे जेल कैंप के केंद्रीय महासचिव माननीय फरजान खान जी, साथ ही साथ हमारे केंद्र कमेटी के सचिव हमारे दीपक रवानी जी एवं हमारे धनबाद जिला के ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्री प्रकाश विश्वकर्मा जी, नगर जिला अध्यक्ष शक्तिनाथ महतो जी एवं धनबाद जिला महासचिव सलाहुद्दीन अंसारी जी एवं जितने भी हमारे इस मंच पर हैं, इस ग्राउंड पर हैं, मेरा तरफ से नमन करता हूं। साथियों साथी ये खेल के माहौल है, ज्यादा न समय लेकर ये राजनीतिक मंच नहीं है। इस खेल आज 15 अगस्त के उपलक्ष पर जिस तरह से यहाँ के कमेटियों यहाँ के आयोजन कर्ताओं ने किया है, बहुत ही खुशखबरी और बहुत ही बधाई के पात्र है। साथ ही अगले वर्ष भी खेल हुआ था, हम भी सुने थे कि अगले वर्ष भी इस मैदान में खेल हुआ था। कुछ साथियों द्वारा बोला गया कि इस बार भी रखा जाएगा, हमको खबर मिला तो मैं भी बोले खेल होना चाहिए। खेल से हमारे मानसिक संतुलन, शरीर का गिर रहा जितना भी हो, तरह तरह का संतुलन बनाए रहता है। इस मंच के माध्यम से मैं फिर से एक बार सभी को धन्यवाद जोहार आदाब नमस्कार करता हूं। धन्यवाद शंकर दा। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला वक्ता के रूप में हमारे जेवीकेएसएस के केंद्रीय युवा अध्यक्ष कुश महतो जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आप अपने दो बातों को रखकर खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करेंगे कम शब्दों में।
धन्यवाद। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सिंदरी के इस कांडरा की पावन धरती में फुटबॉल टूर्नामेंट जो आज हमारे फाइनल के मुख्य अतिथि जेबी केसेस के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी हैं। साथियों, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही हर्ष की बात है, हम सबों के लिए गर्व की बात है कि जिस प्रकार से आप लोग एक प्लेयर हैं, उसी प्रकार से हमारे टाइगर जयराम महतो जी कभी प्लेयर हुआ करते थे और आज वर्तमान समय में भी वो खुद प्लेयर है। साथियों, मुझे लगता है कि हमारे खिलाड़ियों की दुख दर्द और साथ ही झारखंड के तमाम युवाओं का दुख दर्द अगर कोई बेहतरीन तरीका से कोई समझ सकता है तो वो टाइगर जयराम महतो जी है। साथ ही मैं इस आयोजन कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि इस प्रकार का आयोजन आज के समय में कोई नहीं करता है। आज के समय में इस प्रकार का आयोजन बहुत ही जरूरी है क्योंकि आज के समय में हमारे वर्तमान समय में जितने भी नौजवान हैं, जितने भी छात्र हैं, सभी कोई मोबाइल में ही गेम खेलने में व्यस्त है, सभी कोई अपने घर से कोई चौखट से बाहर नहीं निकलते हैं। आज के समय में अभी इस प्रकार का आयोजन करना तमाम जितने भी हमारे सदस्य हैं शिव शक्ति क्लब, इस फुटबॉल टूर्नामेंट के जितने भी सदस्य हैं, तमाम सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार व्यक्त करता हूं। साथियों, समय बहुत ही कम है, सभी को धन्यवाद जोहार करता हूं। हमारे टाइगर जयराम महतो जी भी अपनी बातों को रखेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अगले वक्ता के रूप में हमारे धनबाद जिला के जिलाध्यक्ष माननीय शक्ति महतो जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप अपने बातों को रखते हुए खिलाड़ियों को मनोबल को आगे बढ़ाएं और थोड़ा कम शब्द में यहां पे उपस्थित एवं शिव शक्ति क्लब के सभी सदस्यों और क्लब के मेंबर को और आयोजन कमेटी को पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं जो आपने दो दिवसीय फुटबॉल खेल रहा आज बहुत दुख की बात है कि झारखंड में धनबाद जिला में तब हमारे पूर्वजनों के रखे हुए जमीन जगह रहते हुए भी हम खिलाड़ियों को लेकर स्टेडियम नहीं बनाए। आज दुख की बात है, बलियापुर में एयरपोर्ट की जमीन है, फिर भी खिलाड़ियों के लिए ना स्टेडियम रखा गया है, बनाया गया है, ना खिलाड़ियों के लिए कोई खेलने का व्यवस्था किया गया है। आज जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे हारे हुए हैं या जीते हुए हैं, मैं सबको शुभकामना देता हूं कि आप लोग खेल को खेल के पर्दा से खेले और अच्छा प्रदर्शन करें, राज्य के साथ साथ देश का भी नाम करें। झारखंड ऐसा राज्य है कि कहीं ना कहीं अपना एक एक परचम लगा के आ रहा है, जो जिस लाइन में है, चाहे डीजे साजन लीजिए जिसने देश में अपना पटल लगा के, चाहे हमारे क्रिकेट खिलाड़ी में झारखंड के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी जिसने राज्य का नाम देश के परचम पटल लगा है, और ही चाहे हॉकी में ले या ओलंपिक में बहुत तरह तरह के पदक भी हमारे राज्य से राज्य के खिलाड़ियों ने अपना परचम लगा रहे हैं। अब हम सुप्रीमो में टाइगर जयराम महतो भी है, आशा करते हैं कि आपकी सरकार जब भी आए राज्य के हर प्रखंड में एक स्टेडियम का प्रस्ताव करे, क्योंकि जितने भी ग्राउंड है कहीं ना कहीं ग्राउंड रेती ग्राउंड है, जो वहाँ के लोग जिसकी जमीन है आज हो कल हो घर बना लेते हैं, लड़का लोग निराश हो जाते खेलने जाने थे, और जो गवर्नमेंट जमीन है गैर मजबूत जमीन है वो भूमि माफिया या तो मिली भगत से घेरा जा रहा है। ऐसे ग्राउंड को चिन्हित करे और ऐसे ग्राउंड में स्टेडियम बने, फुटबॉल स्टेडियम, फुटबॉल का स्टेडियम हो या क्रिकेट का हो या एथलेटिक्स का हो, उसे ग्राउंड में ऐसे जमीन में झारखंड वासियों के लिए, झारखंड के खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम बनाया जाए। और मैं फिर से जितने भी खिलाड़ी आए सबको तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और जय झारखंड, जय हिंद। और एक बार
जोर से बोलिए, झारखंड मांगे जय राम, झारखंड मांगे जय राम, जय राम। लगते सबको ये भूखे हैं, खाना वाना नहीं खा गए हैं। एक बार जोर से बोलिए, झारखंड मांगे जय राम, जय राम, जय राम, झारखंड मांगे जय राम, जय राम, जय राम। एक अगर बात समाप्त करते हैं, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि जब किसी वक्ता का वक्तव्य खत्म हो तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से इनके हौसला बुलंद हो। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, आप लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं, जिसको सुनने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा का शेड्यूल थोड़ा कहीं है, इसलिए आप सभी से हम लोग माफी चाहते हैं। एक वक्ता के बाद मैं दादा को आमंत्रित करता हूँ, प्रदीप महतो जी जो कांड्रा बस्ती के समाज सेवी है, मैं उनको अभी मंच में आमंत्रित करता हूँ। आप अपने दो शब्दों को रखकर खिलाड़ियों को सम्मान करेंगे। धन्यवाद। आज तो सभी सुनने के लिए आए हैं टाइगर जी को। खेलकूद होना चाहिए और ये टीम जो मुकेश के नेतृत्व में ये टीम लगातार खेलते हुए आ रही है, ये बहुत ही उनकी तारीफ करना चाहिए। प्रतिवर्ष मुकेश अपनी टीम के साथ ऐसा ही आयोजन करते रहते हैं। खेलकूद होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। हमारे ही गांव से तीरंदाजी में जो है कोई बच्चे जो है, कई बच्चे हैं, चारसाला है, कांड्रा से जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है अभी खेल रहे हैं। तो खेलकूद होना चाहिए। अभी जो है घर के अंदर ही खेल सीमित रह गई है, तो जरूरत है कंटिन्यू खेल होना चाहिए। अभी सुंदर महतो जो है चारसाला बस्ती के रहने वाले सुंदर महतो, वो बॉडी बिल्डिंग में जो है पूरा एशिया में वो सेकंड नंबर आए हैं। तो खेलकूद होना चाहिए। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, आप लोग जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मैं उन शख्स को आमंत्रित करता हूँ, टाइगर जयराम महतो जी का इस मंच में स्वागत है। जोरदार ताली छोड़ दो, जोरदार तालियों का साथ स्वागत करे। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित तमाम साथियों को, हमारे अभिभावकों को और युवा जितने लोग उपस्थित थे, सभी को स्वतंत्रता दिवस की असंख्य हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिव शक्ति क्लब के तत्वावधान में आयोजित इस फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में जो टीम विजयी हुई उनको शुभकामनाएं, और जो टीम हार गई है उनको अगले साल के लिए हमारी शुभकामनाएं। जहां तक खेल का विषय है, ये फुटबॉल का खेल है। देश के महान संत हुआ करते थे, उनका नाम था विवेकानंद। उन्होंने एक बार कहा था कि भारत के युवाओं को फुटबॉल खेलना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने शायद मन में ये ख्याल आया होगा कि आखिर एक संत होके उन्हें युवाओं को वेद पढ़ने की सलाह देनी चाहिए थी, उन्हें युवाओं को अच्छे पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए थी, उन्हें युवाओं को अच्छा संस्कार अपने अंदर ग्रहण करने की सलाह देनी चाहिए थी, लेकिन एक संत युवाओं को फुटबॉल खेलने क्यों बोल रहा है। तो यह समय था 1900 से पहले का। उस समय भारत देश अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों के अधीन तो था ही, साथ ही हम लोग काफी विचारों से बटे हुए हैं, आज भी बटे हैं, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर। तो महान संत विवेकानंद का यह मानना था कि अगर भारत के युवा फुटबॉल खेलेंगे तो उनमें विचार मिलेगा, जब वो एक दूसरे के साथ खेलेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, तो भारत देश की आजादी में यह सहायक होगा। इसलिए आज आप देख लीजिए, इसी मैदान की बात कीजिए, आपने कभी किसी भी खिलाड़ी से उसका जात से और धर्म से परिचय नहीं लिया। जब देखिएगा हाफ टाइम का खेल होता है तो जिस जर्सी को हम पहनते हैं, खासकर गांव देहात के खेलों में, उसी जर्सी को बदलकर दूसरा खिलाड़ी आता है। जबकि आप अपना घर में चले जाइए, यदि आपका सगा भाई है ना, तो आपका पहना हुआ ड्रेस नहीं पहने का, इतना बदबू देता है। लेकिन जब आप फुटबॉल के मैदान में आते हैं, हाफ टाइम में या फिर जब खिलाड़ी का चेंज किया जाता है, उसी जर्सी को भले वो पलट दे,
कभी कभी होता है खिलाड़ी जब ज्यादा बदबू आता है जर्सी को पलट के मैदान में आ जाता है, लेकिन उसी जर्सी को पहन के आता है। इसीलिए विवेकानंद ने कहा था अगर आप साथ में खेलोगे वहाँ जात पात का जो भेद है वो मिटेगा और आप एक दूसरे के करीब आएंगे। हमेशा जीवन में होना चाहिए। और जैसा कि जहां तक झारखंड का विषय है, देखिए झारखंड आज अगर हमारी सरकार थोड़ी सी मेहनत करे तो नो डाउट बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी तराशे जाएंगे। और चूंकि हम लोग 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, लोकसभा में हम लोग चुनाव लड़े थे, अच्छा वोट मिला था, हार जीत अलग विषय है क्योंकि भारत देश के इतिहास में पहली बार है कि सब नए लड़का लोग पार्टी बना के चुनाव लड़े हैं। अगर हम लोग चुनाव में आते हैं, अगर सत्ता में आने का मौका मिलता है तो हम लोग पहला हम लोग का मैनिफेस्टो में बकायदा रहेगा, युवाओं की नौकरी के अलावे खेल कूद हमारे मैनिफेस्टो में रहेगा। क्योंकि खेल कूद से अगर आप नाता तोड़ेंगे तो फिर आपको अपने उम्र कम करना पड़ता है। आज देखिएगा वो आप तो कोलियरी के बगल में रहते हैं, देखिएगा जो अफसर लोग रिटायर हो गया है सुबह सुबह जाता है मॉर्निंग वॉक में, 60, 65 साल, 70 साल, 75 साल उम्र है। जिस उम्र में अपना पोता को खेलाना चाहिए था, अपना घर परिवार देखना चाहिए था, वो ग्राउंड में जा रहा है दौड़ने के लिए। खाए मालूम है और जवानी में दौड़ा नहीं हुई। इसलिए खिलाड़ी को गरीबी छू सकती है, एक खिलाड़ी को गरीबी छू सकती है, बीमारी नहीं छू सकती है। अभी आपको तय करना है कि नहीं होना। अब जाके पूछिएगा लोग, जितना भी मैनेजर है इतना पढ़ने लिखने में बिजी था, भले नौकरी किया, जिंदगी का 60 साल पार कर लिया है, लेकिन जिंदा रहने के लिए डॉक्टर बोला है कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाइएगा, 4 बजे सुबह उठ के जाता है। रिटायर्ड अधिकारी लोग, बड़ा बड़ा अधिकारी देखिएगा ग्राउंड में मिलेगा, कोई जाके हंसता है, वो हंसने का भी गेम आया है। भैया ये सारा ड्रामा कहा है, जिंदा रहने के लिए। तो आप बुढ़ापे में कहा ड्रामा कीजिएगा, मेरा कहना है बुढ़ापे में ड्रामा कहा कीजिएगा, जवानी में खेलिए ना भैया। अरे कुछ भी कीजिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, वकील बनिए, किसी ने नहीं रोका है। 2 घंटा एक खेल से नाता जरूर रखिए। अगर आप जवानी में खेलोगे तो बुढ़ापा में जाके नाती पोता खेलाओगे। इसलिए जवानी में खेलो तो बुढ़ापे में आपको नाती पोता खिलाने के समय में ग्राउंड में दौड़ना होगा। और उसके बाद देखिए कभी झारखंड की जब बात आती है तो झारखंड यानी गांव, झारखंड यानी खेत खलिहान, तो लोग थोड़ा सा ताना मारते हैं, यार झारखंड के लोग तो देहात के लोग हैं, गंवार लोग हैं आप लोग, देहाती लोग हैं, जंगली लोग हैं आप। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि आपको कोई कभी ताना मारे कि आप झारखंड के लोग हैं, आप खेल कूद में कहां तक आएंगे, तो ठीक है धोनी का नाम तो दुनिया जानती है, लेकिन मैं धोनी की बात नहीं कर रहा हूं। अभी ओलंपिक का खेल आपको मालूम है ना, कितना शर्म हमें लग रहा है ना कि 1,40,00,000,000 की आबादी और एक सोना नहीं जीत पाए। जिस देश की आबादी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, उन लोग गोल्ड मेडल लेके चला गया। तो चलिए ओलंपिक की मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। यदि आपको कभी शर्म लगे, कोई आपको चिढ़ाए कि आप झारखंड के गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, अरे आप लोग तो देहाती लोग हैं, जंगली लोग हैं, उनको याद दिलाइएगा कि जिस सोना के लिए आप तरस रहे हो ना, आज शहरी लोग फुटानी मारने वाले लोग एक सोना के लिए तरस रहे हो ना, भारत को पहला सोना दिलाने वाला झारखंडी और वो कोई धनबाद और जमशेदपुर के नगर से नहीं था, वो खूंटी के ग्रामीण एक जंगली क्षेत्र से जयपाल सिंह मुंडा थे, भारत को पहला सोना दिलाने वाला। तो अगर तुमको कोई नीचा दिखाए इसको सबक जरूर सिखाइएगा कि तुम बड़े बड़े लोग बड़े बड़े शहरों में रहकर एक सोना नहीं दिला पाए हो, पूरे भारत को सोना देने का पहला काम किसी ने किया है तो जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में 1928 में भारतीय टीम ने हॉकी के मैदान में फतह करके दिया। इसलिए बिल्कुल आप खेलें, अगर हम लोग आते हैं सत्ता में, खेल कूद करने वाले खिलाड़ियों को निराश नहीं होने देंगे, आपके खेल की सुविधाएं और खेल के लिए हम लोग विशेष कोटा भी रहेगा कि जो लोग खेल के जाएंगे उनके एक विशेष कोटा भी दिया जाएगा। और समय ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि मेरा भी सेहत ठीक नहीं, डॉक्टर ने हमें बोलने के लिए मना किया है, हमारे लंग्स में थोड़ा सा अंदर से एक छोटा सा घाव टाइप का फील हुआ है, लेकिन फिर भी आज इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है हमारे यहाँ देश का, इसकी हम लोग शुभकामनाएं देंगे। लेकिन ये भी कहेंगे कि भले आज हम स्वतंत्र हैं,
भले हम आजाद भारत में रहते हैं, लेकिन ये आजादी ना भगत सिंह के सपनों का भारत है, ना ये महात्मा गांधी के सपनों का भारत है, ना ये एपीजे अब्दुल कलाम के सपनों का भारत है, ये चंद पूंजीपतियों के सपनों का भारत है। इसीलिए अगर हम लोग चाहते हैं कि भगत सिंह के सपनों का भारत बने, तो हर एक युवा को मेहनत करना होगा, हर एक युवाओं को आज इस देश की जो बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है करप्शन, उसके खिलाफ लड़ना होगा, उसके लिए आपको ईमानदार होना होगा, उसके लिए आपको पढ़ लिख कर उन जगहों में काबिज होना होगा जहां से बेईमानी फैलती है। देश के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बड़ा सुंदर कहते थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी अभी देश में सरकार है, जो अभी हम बिल्कुल कुछ पूंजीपतियों की गुलामी करते हैं, उसी पार्टी के प्रधानमंत्री थे, बड़े सुंदर दो लाइनें कहा करते थे कि कलकत्ता के फुटपाथों में नंगे बदन जो आंधियां सहते हैं, कलकत्ता के फुटपाथों में नंगे बदन जो आंधियां सहते हैं, उनसे जाकर पूछो कि वो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। बेशक आज हम लोगों ने तिरंगे को लहराया, बाइक का जुलूस हमने निकाला, हम लोगों ने स्कूल में डांस जैसे कंपटीशन में भाग लिया, भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन दिल पे हाथ रखने के बाद आपको भी मालूम चलेगा कि ये भारत हमें नहीं चाहिए। आज के दिन बड़े बड़े नेता अभी माइकों में आकर देश प्रेम का लेक्चर देते हैं, 15 अगस्त के दिन 26 जनवरी के दिन वो देश प्रेम का लेक्चर देते हैं। तो देश प्रेम का मतलब थोड़ी है कि केवल पहाड़ों से प्रेम करें, यहाँ के नदियों से प्रेम करें, देश प्रेम जो दो शब्दों से मिलके बना है, देश और प्रेम, उसका मतलब है देश के मनुष्य से प्रेम होना चाहिए। आज सबसे ज्यादा झंडा कहाँ फहराया गया? ब्लॉक में, और वीडियो भाषा क्या वो बोला होगा कि देश के लोगों से प्रेम करना चाहिए, और वो चोरा वीडियो क्या करता है 20,000 रुपए के मोटरसाइकिल मांगता है कि नहीं मांगता। आज झंडा कहाँ बनाया? थाना प्रभारी ने, और जब कोई एक आम व्यक्ति जाता है तो उसके साथ ऐसा सुलूक किया जाता है जैसे वो आजाद भारत का नागरिक ही ना हो। आज सबसे ज्यादा झंडा बनाया है सांसदों ने, विधायकों ने, और इनकी प्रॉपर्टी कितनी है? 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, यानी जिस पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए तो हमारे इलाज के लिए, जिस पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए तो हमारी बेहतर शिक्षा के लिए, जिन पैसों का इस्तेमाल होना चाहिए था नौजवानों के रोजगार के लिए, नौजवानों की सुविधा के लिए, आज वो 10,000 करोड़ जेब में भर के रखे हैं, और आज झंडा फहराएंगे कि माननीय सांसद जी ने झंडा तोलन किया और देश प्रेम का संदेश दिया। अरे भैया पहले तुम देश प्रेम का मतलब तो जानो क्या होता है, बताइए। आज वीडियो और सीओ झंडा फहरा रहा है, जो हर एक आदमी से एक वो साइन करने का दाम लेता है। देश प्रेम का मतलब होता है जनता से प्रेम, देश का प्रेम का मतलब होता है एक इंसान दूसरे इंसान से प्रेम करे। देश प्रेम का मतलब नहीं होता कि हम केवल एक तिरंगे से प्रेम कर लिए, जनगण मन जब आया तो हम सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए 52 सेकंड, राष्ट्रगान का सम्मान कर दिए, वो देश प्रेम नहीं है। देश प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है, एक इंसान दूसरे इंसान की भावनाओं को समझना, उसके साथ मनुष्य जैसा व्यवहार करना और उसके हितों की रक्षा करना, उसे असल में देश प्रेम कहते हैं। कि जरूरी नहीं हर वक्त जुबान पे ईश्वर का नाम आए, कि जरूरी नहीं हर वक्त जुबान पे ईश्वर का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब एक इंसान के काम आए। जरूरी नहीं हर वक्त जुबान पे ईश्वर का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए। तो ऐसा भारत अगर हम बना पाए, ऐसा नहीं कि हम लोग भी दूध के ढोले हैं, नो डाउट हम लोग भी इसी वातावरण में रहते हैं, हमसे हमें भी खामियां हैं, हम लोग थोड़ी कह रहे हैं कि हम लोग दूध से धो के आए हैं, हम हैं तो हम ही हैं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए, हमें हमारी खामियों को दूर करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि देश प्रेम का असल अर्थ क्या है। तो देश प्रेम का मेरे हिसाब से, मैं 29 साल का लड़का हूँ, पता नहीं 60 साल वाले क्या सोचते होंगे, 45 साल वाले क्या सोचते होंगे, मैं 29 साल का लड़का, मैं ये सोचता हूँ कि देश प्रेम दो शब्दों से बना है, देश और प्रेम, इसका पहला मतलब यही होता है कि राष्ट्रगान से, तिरंगे से पहले एक इंसान से प्रेम किया जाए। ठीक है, बाकी पुनः सभी को, दोनों टीमों को शुभकामनाएं, हमारी ओर से असंख्य शुभकामनाएं, जी जान लगाकर खेलिए, अपना नाम रोशन कीजिए, और खेल कूद में कभी हमेशा, मैं जो लोग नहीं भी खेलते उनसे जरूर कहेंगे 2 घंटा जरूर किसी आउटडोर खेल का हिस्सा बनिए। आज अगर आप आउटडोर खेल का हिस्सा बनेंगे तो 60 साल की उम्र में इंडोर में नाती पोता को खिलाएंगे, ना दिक्कत होगा। बाकी पुनः हमारी ओर से आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आजादी दिवस मुबारक हो सभी को, और चाहते हैं हम एक प्रयास करें
हालांकि आसान नहीं है, बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन हमें एक प्रयास करना चाहिए कि वास्तव में आजादी का मतलब क्या है। वास्तव में आजादी का मतलब जो भगत सिंह कहते थे कि कोई आदमी इतना गरीब ना हो कि उसे अपने आप को बेचना पड़े, और कोई आदमी इतना अमीर ना हो कि दूसरे आदमी को खरीद ले। आज हमारे देश में दोनों होता है, एक आदमी गरीबी में अपने आप को बेच देता है, बेच देता है मतलब मजदूरी उसके घर में करता है, एक बंधवा मजदूर बन के दो पैसा आएगा तो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को लिखाएंगे। यानी आज देश की हालत क्या है कि एक आदमी अपने आप को बेच भी रहा है तो उसी टाइम कोई खरीद भी तो रहा है। तो ये भगत सिंह के सपनों का भारत नहीं है, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि कोई व्यक्ति इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को खरीद पाए, और कोई व्यक्ति इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। तो हमारा एक प्रयास होना चाहिए, आज अगर सच में हम लोग आजादी मनाने आए हैं, सच में अगर तिरंगे का मान सम्मान करते हैं, सच में अगर राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, तो सबसे पहले से देश के जो इंसान है उनका सम्मान हो, उनका आदर हो और उनसे प्रेम किया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत के तमाम शहीदों को हुल जोहार, तमाम शहीद अमर रहे, अमर रहे। शिव शक्ति क्लब के तमाम सदस्यों को इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए हमारी ओर से असंख्य बधाई, तमाम खिलाड़ियों को जिन्होंने भाग लिया है उनको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अब हम लोग समय को विलंब ना करते हुए कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। अब हम लोग पुरस्कार वितरण के लिए जो है हम लोग यहाँ के शिव शक्ति क्लब के मेंबर्स जो है वो सभी मेंबर्स से आग्रह करते हैं कि कृपया आप लोग मंच के समक्ष जल्द से जल्द आने की कृपा करेंगे। मैं शिव शक्ति क्लब के मेंबर्स का नाम लेता हूं, ऋषि कुमार, विकास ब्राय, प्रिंस चीकू, जयंत, जिनको हमारे थोड़े जल्दी आने की कृपा करेंगे, समय का विलंब ना करें, जिनका जिनका नाम लिया गया है उन सभी से आग्रह करते हैं, नहीं तो फिर हम लोग जो है दूसरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हेलो, हेलो सर, जयराम दा, इन बच्चों को आप थोड़ा सम्मानित कर देंगे, तालियां होना चाहिए बच्चों के लिए जो इस खेल में अपना बहुत बड़ा योगदान दिए हैं, आज इसीलिए उन लोगों को हमारे सुप्रीमो सम्मानित किए हैं, धन्यवाद। अब जो है समय को ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं प्राइज वितरण की ओर आगे बढ़ रहा हूं। रेफरी गौतम सर, सूरज, आप जहां कहीं भी हो आपसे आग्रह है कि सॉरी लाइन्समैन, आप पूरे दोनों लाइन्समैन और निर्णायक महोदय एक साथ आ जाएं, जिनका जिनको सम्मानित करेंगे हमारे ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रकाश विश्वकर्मा जी, प्रकाश विश्वकर्मा जी हमारे इस खेल के निर्णायक महोदय और उनके सहयोगी तीनों ही को हमारे ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रकाश विश्वकर्मा जी सम्मानित करेंगे मोमेंटो देकर। जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार ताली के साथ स्वागत होना चाहिए।
और रेफरी पंकज महतो जी, उनको भी सम्मानित करेंगे हमारे ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रकाश विश्वकर्मा जी, जल्दी जल्द से जल्द आने के कष्ट करेंगे। जोरदार तालियों के साथ रफी महोदय का स्वागत करें, धन्यवाद। इस खेल में मैन ऑफ द सीरीज हेलो MSCC बलियापुर के रनर टीम जो है उनके तीन मेंबर काजल सिंह, प्रदीप महतो और मंटू महतो से आग्रह करते हैं कि आप आकर अपने प्लेयर प्राइज को ग्रहण करेंगे। हेलो, मैं MSCC के प्लेयरों का नाम लेता हूं, आप लोग कृपया करके बारी बारी से आकर अपना पुरस्कार को ग्रहण करेंगे। मनीष महतो गोलकीपर जो है आप आने का कष्ट करेंगे, सचिन महतो, सत्यजीत महतो, राज महतो, मनीष महतो, रोहित महतो, विशाल, शक्ति, रमेश, प्रकाश, अरविंद, आप सभी एक साथ आए क्योंकि समय कम है। जिनको सम्मानित करेंगे काजल सिंह, जोरदार ताली होनी चाहिए। प्रदीप महतो जी आप आएंगे और उन लोगों को सम्मानित करेंगे, और इनके बाद में जिनका नाम लिया गया है कृपया करके उनसे आग्रह है कि आप तैयार रहेंगे। थोड़ा समय तो देखिए, थोड़ा हेलो सभी MSCC क्लब के